अस्सलाम वालेकुम सबको, गुड मॉर्निंग। पर अजमेर नहीं है और ना ही तुम्हारी आंटी का घर है ये। हाँ ये है कि ये जानी मानी भी देखी हुई चीज़ें हैं आपकी जो मैं पहले दिखती थी, और इंशाल्लाह मैं वहीं पे हूँ आज। फिर से मैं सूरत आई हूँ, और जो कल मैं अजमेर में थी, अजमेर में पता नहीं क्यों मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था। अजीब अजीब सी ख्याल दिमाग में घूम रहे थे, और उस टाइम तो मैं जब दरबार शरीफ के सामने खड़ी थी, तो उस टाइम आप यकीन करिए मत करिए, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है। बस मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था, और बस सरकार का ताज और सरकार का गुम्बद से मेरी नज़रें हट ही नहीं रही थी। अब मेरे दिल की जो कश्मकश है, बस वो जानते थे कि मेरे दिल में क्या कश्मकश चल रही है, और वो जितना मैं याद कर रही थी उतनी मेरे आँख से आंसू बहते जा रहे थे। बहुत मुश्किल से मैं संभली, और मेरे जो किन्नर्स भाई बहन लोग थे जो मेरे साथ थे, उन लोगों ने बहुत संभाला मुझे, बहुत आसरा दिया, बहुत बहुत मतलब ठंडक दी, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और सरकार गरीब नवाज का बहुत बहुत करोड़ों एहसान कि मैं जब थोड़ा शांत हुई और दिमाग थोड़ा सुकून हुआ, तो मेरी टिकट थी बॉम्बे की, पर मैं उतरी हूँ सूरत। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत से चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आई हूँ करने, और इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस दुआ है कि ज़िंदगी में आप जो भी मुकाम पे जाना चाहो जाइए, क्योंकि मैंने जो चाहा, मैंने सिर्फ दिल में चाहा, और मेरे सरकार ने वो पूरा किया है। और कल आपको पता है मैं कहाँ थी, अजमेर शरीफ, जहाँ हमारे दिलों की मतलब सुकून बसते हैं। तो इसीलिए मैंने कल सिर्फ तिलावत अपने मुंह से दरूद शरीफ वगैरह पढ़ी थी। अब वो पढ़ते हुए क्या दिखाऊँ आपको, इसीलिए सिर्फ दुआओं में आपको शामिल रखी। और अभी तो मैं मंजिल, आपको पता है कि मंजिल लगाने से आपके हर जादू टोना, आपकी बुराइयाँ, आपके ऊपर चलती हुई मुसीबतें सारी टल जाती है। यही सोच से ये लगाई हो, और इंशाल्लाह आपके घर तक भी ये आवाज़ पहुँचाई हो। बस अल्लाह आपके ऊपर भी जो कुछ ऐसी बलाएँ हैं, ऐसी करनी है, अल्लाह उसे दूर करे। यही दुआओं के साथ, यही सोच के साथ, और अच्छी नीयत के साथ, और अच्छी बस यही दुआ कीजिए कि जो सोच कर आई वो काम अल्लाह पूरा करे। बस यही बातों के साथ आपकी और हमारी गुड मॉर्निंग। अल्लाह हाफिज़।